नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आवर ब्रेन आवर लाइफ में आपका स्वागत है। कुछ मित्रों के हमें मेल मिले जो ये पूछना चाह रहे थे मैरिज के बारे में। मैरिज में दो प्रॉब्लम है, एक मैरिज डिले होना और दूसरा मैरिज के बाद आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग की कमी होना, कंफर्टेबिलिटी इश्यू होना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैरिज डिले होना। मैरिज होती कितनी प्रकार की है? अगर हम शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तो मैरिज 8 तरह की होती है, बट आज के एनवायरमेंटल कल्चर में अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो 2 ही तरह की मैरिज है जो ज़्यादातर चल रही हैं। एक अरेंज मैरिज, उसको भी अगर आप और तोड़ना चाहें, अरेंज मैरिज के अंदर कोई डाउरी लेते हैं कोई नहीं लेते हैं। तो एक तो अरेंज मैरिज हो गई दोस्तों, और दूसरी लव मैरिज हो गई। लव मैरिज का ही पार्ट है, लव को हम अरेंज कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ पार्ट। अब ये मैरिज पहली बार डिले कैसे होती है? जब हम एक लेवल एक उम्र के बाद निकल जाते हैं तो हमें चिंता हो जाती है। आज हम बात करते हैं पहले मैरिज डिले होने की। जब हम टीन एज में होते हैं राइट, तो हम कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर वो टीन एज से हम यूथ में चले जाते हैं, कुछ और एक्सपीरियंस गेन करते हैं। मीन वाइल जब भी हमसे कोई शादी की बात करता है तो आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना कि हाउ यू रिएक्ट। मेरे को नहीं करनी अब, ऐसा बोलते हैं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम ऐसा बोल के माइंड को प्रोटेक्टिव शील्ड को ऑन कर रहे हैं। माइंड की प्रोटेक्टिव शील्ड ऑन होने का मतलब माइंड आपको ये समझ रहा है कि शादी करने से इसको प्रॉब्लम होगी, और वो सबसे बड़ा रक्षक है आपका। हमें हमेशा ये जवाब देना चाहिए, ठीक है अभी मेरे को थोड़ा सेटल होने दो, लेट मी चेक द राइट टाइम आई विल डू। बोलने का ढंग का फर्क है राइट, अगर हम और ये बोलने का ढंग बड़ा मैटर करता है। जैसे हम घर पे जाके हम ये भी बोल सकते हैं अपने पिता को, क्या बोलते हैं, पापा, फादर, पिताश्री, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स वी यूज, पापा। अगर हम ये बोलें हे मेरी माता के हस्बैंड कैसे हो आप, द मीनिंग इज सेम, तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, जूता निकलने वाला है और आपका सर होने वाला है राइट। सो हम ऐसा नहीं बोलते। वैसे ही माइंड को भी अगर हम गलत कमांड देंगे, क्योंकि माइंड ना कंफ्यूजन स्टेट में कभी रहता नहीं है, मैं देखता हूँ मैं करता हूँ, ये स्टेज होती ही नहीं है माइंड की, आइदर वो फाइट और फ्लाइट। मेरे पुराने कुछ वीडियो आपने देखे होंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ 2 ही मोड में काम कर रहा है, और जब वो हम शील्ड क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, माइंड को आदत पड़ गई है और सडनली हम कहते हैं नो, लेट्स से वी आर नाउ 30, आज मेरे को शादी करनी है, वो किसी को पसंद नहीं करता। और दूसरा ये अरेंज मैरिज के प्रस्पेक्टिव से था, और अगर लव मैरिज के प्रस्पेक्टिव से हो, अभी हम बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल होते हैं, आजकल एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन जब शादी का टाइम आता है तो कभी ना कभी माइंड ही रोक देता है, नहीं यार वो फ्रेंड बनने के लिए तो ठीक है, तो हस्बैंड बनने के लिए ठीक नहीं। अब माइंड ने आपको एक ब्रेक लगा दिया, ऐसा आप लोगों का विचार आता होगा, और इस वजह से वो डिले सर्कल बढ़ता जाएगा और फिर हम डेस्परेट हो जाते हैं एक उम्र के बाद 30 प्लस, क्यों हम थोड़ा सा डेस्परेशन में आ जाते हैं कि नहीं अब मेरे को शादी करनी है। लेट्स अज्यूम कि आपको शादी करनी है, माइंड को आपने बताया आपको प्रोटेक्ट करे, और अभी आप डेस्परेशन में हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कंफ्यूजिंग स्टेट राइट। और उस कंफ्यूजिंग स्टेट की वजह से इट इज डिलेइंग द मैरिज। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं अवॉइड? अगर हम अरेंज मैरिज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड वी आर ह्यूमन राइट। अगर हम इंसान हैं तो हमें कुछ कमियां हैं, और कुछ कमियां हैं तभी हम इंसान हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। अगर हम इंसान हैं तो हमें कमियां हैं, और कमियां हैं तो हम इंसान हैं। तो हमें जब भी अरेंज हो या लव मैरिज हो, दोनों ही केस में, आजकल दोनों में काफी मिक्सिंग हो गई है, आपको यह देखना है कि उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव सब में हूं राइट। सबसे पहले पॉजिटिव लिखो, वो पॉजिटिव आपको सूट करते हैं, अगर वो सूट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम कितने नेगेटिव को राइट ऑफ कर सकते हैं। ये कॉग्निटिव बिहेवियर है हमारा माइंड का कि हम कितने नेगेटिव को राइट ऑफ कर सकते हैं, और जितने नेगेटिव को हम राइट ऑफ करेंगे देन यू चेक द फाइनल समरी पैरामीटर। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम अरेंज मैरिज करते हैं तो पेरेंट ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन द पॉजिटिव्स,
करेक्ट, उसमें इतने नेगेटिव हैं कि वो पॉजिटिव नीचे दब जाते हैं. दे डोंट इग्नोर द नेगेटिव, पॉजिटिव पे काम करेंगे. एक्सेस पॉजिटिव, जो एक्सेस पॉजिटिव है वो भी थोड़ी देर बाद नेगेटिव दिखने लगता है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट विल बी डिले. सो अवॉइड टू डिले द मैरिज, व्हाट शुड बी डू. इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने भी कहानी सुनी होगी, बट साइकोलॉजिकल एंगल से उस कहानी को समझने की कोशिश करना. नल और दमयंती की, दमयंती की शादी के लिए बहुत सारे देवता आए थे, बट स्टिल उन्होंने नल को सुना. वो मानव था, उन्हें मालूम था कि इसमें कुछ कमियां हैं, पर उसके जो गुण हैं उन्होंने उन कमियों को शेडो कर दिया. करेक्ट. तो ये अरेंज मैरिज का पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इट वॉज अरेंज मैरिज. और अब अगर हम आते हैं लव मैरिज में, लव मैरिज के अंदर दो तीन बड़ी प्रॉब्लम है. फर्स्ट फेथ, ब्लाइंड फेथ और अनफेथ. ये तीन चीजें बड़ी खतरनाक है. फेथ होना बहुत जरूरी है पार्टनर्स पे. अगर वो अनफेथ है तो आप देखोगे आपकी दोस्ती, आपका प्यार कभी भी शादी में तब्दील नहीं हो सकता. दूसरा ब्लाइंड फेथ, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिसके आगे ब्लाइंड लग गया वो आपको रास्ता कैसे दिखा सकता है. अंग्रेज शब्द भी तो वैसे ही लगाते हैं उठा के. तो हमें सिर्फ फेथ होना चाहिए, अनफेथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ब्लाइंड फेथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. तो आप देखोगे आपकी जो दोस्ती है, आपके जो प्यार हैं, वो शादी में कन्वर्ट होंगे. अदरवाइज आप एक स्टेज पे जाने के बाद उसको डिले करना शुरू कर दोगे. ये बेसिक रूट्स बता रहा हूं, नींव है आपकी. अब हम आते हैं शादी की प्रॉब्लम्स के. तो शादी की प्रॉब्लम्स हैं वो वहां से शुरू होती हैं, क्योंकि जब आप अरेंज मैरिज में होते हो तो एक दूसरे को देखते ही नहीं हो. आप पहली बार एक दूसरे से मिलते हो, बहुत छोटा शॉर्ट स्पैन होता है. और जब लव मैरिज की बात करें तो आप एक दूसरे को देखते हो, समझते हो, बट अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो ट्रांसपेरेंसी का जो रोल है वो उस टाइम चल जाता है. क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे साथ नहीं रह रहे. जब आपकी शादी हो जाती है तो वो ट्रांसपेरेंसी का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी जो स्टेज है माइंड की वो नॉर्मल स्टेज, अगर आप ब्रेन वेव के ऊपर मेरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा, बीटा स्टेज हमारी नॉर्मल स्टेज है. और ये जो मैं बोल रहा हूं ये हम इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं. अगर आप अपने रिलेशनशिप को चेक करना चाहते हैं आप कौन सी स्टेज में हैं, हम बायो टूल्स हैं, हम यूज करते हैं वो बायो टूल्स, हम आपको बता सकते हैं आपकी क्या स्टेज है. तो जो बीटा स्टेज है ब्रेन वेव की, वो हमारी नेचुरल स्टेज है और माइंड उसी स्टेज को सेट. अब हम इशू कहाँ आता है, हम जब एक एक्टिंग के माहौल में होते हैं तब हम गामा स्टेज में होते हैं. करेक्ट. और जब हम उस गामा स्टेज में होते हैं वहां ज्यादा देर माइंड नहीं रह सकता. अगर आप झूठ बोलोगे माइंड अपने आप ही गामा स्टेज में चला जाएगा, क्योंकि उसको झूठ को सुनने की आदत ही नहीं है. उसको जब तक आदत नहीं पड़ेगी तब तक वो गामा स्टेज में होगा. राइट. जहां आप ट्रांसपेरेंसी लूज करोगे वो गामा स्टेज में होगा. तो जब आप शादी कर चुके होते हैं तो आप साथ में रहते हैं, और जब आप साथ में रहते हैं तो थोड़ी देर बाद गामा स्टेज से अपने आप ऑटोमेटिकली आपको माइंड बीटा में ले आएगा. अब गामा स्टेज क्या होती है? गामा स्टेज के अंदर बहुत हाइपर टेंशन होता है माइंड अंदर से. हम किसी को ऐसा बोलते हैं ना कि भाई वो उसका तो दिमाग नहीं चल रहा, वो तो मेंटल है. राइट. उसका क्या मतलब होता है कि उसका माइंड वर्क नहीं कर रहा. तो जब भी हम एंगर में हों, जब भी हम कोई झूठ बोल रहे हों, जब हम कोई चीज छुपा रहे हों, हम ऑटोमेटिकली गामा स्टेज में पहुंच जाएंगे. तो आर्टिफिशियल मेंटल स्टेज होती है, और उस स्टेज में हम ज्यादा देर नहीं रहते. और जब घर में हम रहते हैं तो हम बीटा स्टेज में आ जाते हैं, हम नॉर्मल बिहेव करते हैं तो एक दूसरे को, एक दूसरे की कमियां पता लगने लगती हैं. करेक्ट. और जब हम कमी छुपाने के लिए अगेन गामा स्टेज में जाते हैं तो एंगर के रूप में हमारी फ्रस्ट्रेशन को माइंड बाहर निकलता है, और उस फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है, फैमिलियों में इशू हो जाते हैं, लोग कोर्टों तक जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है. तो आप लाइफ में कोशिश करें कोई भी
अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कोई भी तरीका हो, उसमें बीटा स्टेज में मेंटेन करने की कोशिश करें अपने आप को। तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ एक ही काम है जो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगेन, अगर आप में कोई कमी है, टेल वेरी स्ट्रेट टू योर पार्टनर, दिस इज द गैप इन मी, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट मी, वेरी गुड। यू डोंट वॉन्ट, आई कैन ट्राई टू चेंज अप टू दिस लेवल, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरा माइंड अलाउड नहीं कर रहा है, उस स्टेज के बाद यू विल फील वेरी रिलैक्स एंड माइंड विल स्टे इन ऑलवेज इन बीटा स्टेज। तो आप माइंड की जो वेव थ्योरी है उसके हिसाब से चलेंगे तो आपकी डिले ऑफ द मैरिज विल स्टॉप। मैरिज होने के बाद कंफर्टेबिलिटी इशू नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप अगर गामा में होंगे आप एडामेंट पे हो जाएंगे, बहुत सारी चीजों पे एंगर करेंगे, एडामेंट करेंगे, रूड हो जाएंगे, और वो रूड बिहेवियर दिखने लगेगा सबको, जितने भी आपके फैमिली हैं, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, सबको महसूस होगा, राइट? तो हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, फेथ मेंटेन करना है, ब्लाइंड फेथ पे नहीं जाना है, और अनफेथ तो बिल्कुल नहीं करना है। कुछ ये चार पांच चीजें आप मेंटेन करके चलिए, You will live very happy life. और आप कभी भी अपनी इन चीजों को बाय टूल से चेक करा सकते हैं। These are the instrument, they can check it. आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। इसका वीडियो का आपको क्या फायदा हुआ आप जरूर हमें मेल करिए, हमें आपके मेल्स का इंतजार रहेगा। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप और यूजफुल वीडियो हमारे देख पाएं। जल्दी आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, कुछ नई प्रॉब्लम्स लेके सोशल प्रॉब्लम के ऊपर हम दोबारा डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।